नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, फिल्म ब्रह्मास्त्र के 18 डेज का कितना कलेक्शन हो गया है वर्ल्ड वाइड, नेट कलेक्शन, इंडिया ग्रोस कलेक्शन, सभी की जानकारी दूंगा मैं आपको इस वीडियो में। साथ ही 19वें दिन अपने 19th डे पर ब्रह्मास्त्र कितना कलेक्शन करने वाली है और फिल्म का वर्डिक्ट क्या रहने वाला है, इन सब के बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र ने संडे को मतलब अपने 17वें दिन कलेक्शन किया था 6.41 करोड़ रुपीज, जो काफी अच्छा था संडे के हिसाब से। लेकिन दोस्तों, डे 18 यानी कि मंडे को फिल्म के कलेक्शन में काफी ज्यादा ड्रॉप हुआ, करीब 68% का ड्रॉप देखा गया और मंडे को फिल्म का कलेक्शन रहा मात्र 2.03 करोड़ रुपीज के आसपास। तो दोस्तों, इसमें से भी हिंदी वर्जन का था कलेक्शन 2 करोड़ रुपए और बाकी जो साउथ से कलेक्शन है वो 3 लाख रुपए का कलेक्शन आया था। अब फिल्म के ओवरसीज से भी कलेक्शन बहुत कम आने लग गए हैं, तो फिल्म ढलान पर है, फिल्म लगभग उतरने की कगार पर है। ज्यादा दिन फिल्म अब थिएटर में चलेगी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं 30 तारीख को 2 बड़ी फिल्में आ रही है, विक्रम वेदा और PS1, और अक्टूबर में भी काफी बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है। तो ज्यादा अब इसका लाइफ टाइम कलेक्शन की ओर ये फिल्म बढ़ रही है ब्रह्मास्त्र। दोस्तों, जहां तक आज की बात करें तो आज ये फिल्म ज्यादा कलेक्शन नहीं करने वाली है, 1 करोड़ 60 लाख से लेकर के 1 करोड़ 80 लाख के आसपास इस फिल्म का आज का कलेक्शन आने वाला है। तो दोस्तों, इस प्रकार ब्रह्मास्त्र फिल्म का 19 डेज का जो टोटल कलेक्शन है वो 257.60 करोड़ रुपीज हो गया है, 257.60 करोड़ रुपए 19 डेज। तो दोस्तों, इस प्रकार ये फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन मेरे को लगता है, हिंदी नेट कलेक्शन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 275 करोड़ रुपीज के आसपास रहने वाले, 275 से 270 इनके बीच में कहीं पर ये फिल्म जाकर के अपना लाइफ टाइम नेट कलेक्शन हिंदी वर्जन का करने वाली है। अब इसका अगर ग्रोस कलेक्शन की बात करें, अगर हिंदी वर्जन के ग्रोस कलेक्शन की बात करें, इंडिया ग्रोस कलेक्शन की बात करें, तो ये करीब 305 to 308 करोड़ रुपीज के आसपास इसका इंडिया ग्रोस कलेक्शन रहा है। अगर वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन की बात करें तो ये करीब 408 से 411 करोड़ रुपए के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन हो गया है। और अगर इसके वर्ल्ड वाइड नेट कलेक्शन की बात करें तो 332 to 335 करोड़ रुपीज के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड नेट कलेक्शन है। अब दोस्तों, इस डाटा के आधार के ऊपर फिल्म का बजट 410 करोड़ रुपए है, और कई मैंने आपको लगातार जानकारी दे रहा हूँ कि ट्रेड एनालिस्ट कोमलनाथ है, जैसे कई ट्रेड एनालिस्ट है, और दोस्तों जो रणवीर कपूर, उन्होंने भी कहा है कि यह पूरा बजट इस फिल्म के लिए नहीं है। तो अगर इस बात को मान भी लिया जाए तो कोमलनाथ के अनुसार 60-70 करोड़ रुपए बजट में कम भी कर दिया जाए तो फिल्म का बजट करीब 350 करोड़ भी माने तो वहां तक भी फिल्म नहीं पहुंच पाई है अभी तक। 330 से 335 करोड़ रुपए इसका कलेक्शन हुआ है, तो अभी फिल्म को हिट नहीं कहा जा सकता, अभी आप इस फिल्म को बिलो एवरेज या एवरेज कह सकते हैं। बाकी जो भी लोग ब्लॉकबस्टर घोषित कर रहे हैं, मैं इस बात से सहमत बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो तर्क दे रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए इसके डिजिटल राइट, सैटेलाइट राइट है, म्यूजिक राइट से इनसे आ जाएंगे। तो उस तरह की कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो फिर लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन और अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड भी हिट है, वो भी फिल्म फ्लॉप नहीं है, क्योंकि झुंड का जो लाइफ टाइम जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था वो करीब 17-18 करोड़ था, 22 करोड़ रुपए फिल्म का बजट था। और अगर आप सैटेलाइट राइट्स वगैरह उसमें जोड़ दो तो वो भी अपने बजट को क्रॉस करके आराम से हिट हो रही है। यही बात रक्षाबंधन के साथ है, रक्षाबंधन का 50 करोड़ रुपए के आसपास नेट कलेक्शन था, 70 करोड़ फिल्म का बजट था, करीब 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का इसके OTT राइट्स बिके थे, तो ये फिल्म भी मतलब 80 करोड़ पार करके हिट हो जाती है। ऐसे लाल सिंह चड्ढा 180 करोड़ रुपए का उसका बजट था, उसमें से करीब 60 करोड़ के आसपास इसका लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था, वर्ल्ड वाइड भी इसका थोड़ा 30-40 करोड़ रुपए उधर से आ गया था, और 90 करोड़ रुपए के इसके डिजिटल राइट्स बिके थे। तो इस हिसाब से तो ये फिल्म भी 180 से 190 करोड़ पहुंच जाती है, तो ये फिल्म भी हिटती। तो ये कैलकुलेशन का तरीका नहीं होता है, सीधी सी थ्योरी है कि फिल्म का नेट कलेक्शन अगर बजट को पार कर जाता है तो फिल्म हिट है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो भी फिल्में 200-300 करोड़ के बजट में बनती है और वो फिल्म अगर बॉक्स ऑफिस पर हिट होती है, ब्लॉकबस्टर साबित होती है, तो उनका कलेक्शन बहुत ज्यादा आता है। आपके जीएफ चैप्टर 2 को देखिए, 150-200 करोड़ की फिल्म है, कितना इसका कलेक्शन है वर्ल्ड वाइड, 1700-1800 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, इंडियन नेट कलेक्शन 450 करोड़ रुपए के आसपास। इसको बोलते हैं ब्लॉकबस्टर होना, हिट होना। आप RRR का उदाहरण लीजिए, RRR बजट 400 करोड़ रुपए, वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 1200 करोड़ रुपए, इंडिया का कलेक्शन 700 करोड़ रुपए से ज्यादा। तो ये होती है दोस्तों, ये थोड़ी ना कि आपने 400 करोड़ में या 350 करोड़ रुपए में फिल्म बनाई, आपने 10 साल से आप फिल्म बना रहे हैं, उसका इंटरेस्ट भी जुड़ता है, और उसके बाद में जब फिल्म रिलीज होती है तो आप कहते हैं कि ये पूरा बजट एक पार्ट का नहीं है, और उसके बाद में फिल्म का टोटल कलेक्शन आता है 335 करोड़ रुपीज, और आप कह रहे हैं कि फिल्म हिट हो गई, ब्लॉकबस्टर हो गई। तो आप खुद सोचिए कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? मैं तो एक सीधी सी कैलकुलेशन यहाँ पे रख रहा हूँ, मुझे कोई एलर्जी नहीं ब्रह्मास्त्र से, मैं भी चाहता हूँ फिल्म हिट हो, लेकिन दोस्तों जो हकीकत है वो तो बोलनी पड़ेगी ना, जो हकीकत है वो ही मैं यहाँ पे बयान कर रहा हूँ कि क्या डाटा आ जाए, क्या हकीकत है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ।
कि ये स्थिति है ब्रह्मास्त्र फिल्म की। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि क्या फिल्म ब्लॉकबस्टर है, क्या फिल्म हिट है, क्या फिल्म फ्लॉप है, या क्या फिल्म एवरेज है। जो भी आपकी राय हो आप बताइएगा। वैसे कलेक्शन अच्छा है, इसमें मैं बुरा नहीं कह रहा, कलेक्शन इतना कलेक्शन करना भी बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में। जब बॉलीवुड की फिल्में 50 करोड़ का कलेक्शन नहीं कर पा रही अपने लाइफ टाइम में, तो इस समय में इतना कलेक्शन करना भी काफी बड़ी बात है, इस बात को मैं एग्री करता हूँ। लेकिन जो हकीकत है वो मैंने आपको अपने चैनल पे जानकारी दी है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दूंगा, सही जानकारी दूंगा, जो सच है वो ही मैं यहाँ पे बताता हूँ। दोस्तों आप मेरी बात से कहाँ तक सहमत है आप कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम।